बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज वही हुआ है जिसका डर था। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक खौफनाक किस्म का प्लान बाकायदा तरतीब दिया जा चुका है। आज इमरान खान और जज अब्दुल हसनान के दरमियान सख्त कलामी और तलख कलामी क्यों हुई है, और अचानक शाह महमूद कुरैशी ने फाइल क्यों उन्होंने हवा में उछाल दी और जज के साथ उन्होंने तकरार किया। आज अडियाला जेल के अंदर ये खौफनाक किस्म के जो मनाजिर थे वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और आगे क्या प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि इमरान खान को इस इलेक्शन से पहले ही किस तरह के फैसले का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून ने अपना मैनिफेस्टो यानी मंशूर जो है वो सामने रख लिया है, वो मंशूर आपके सामने रखेंगे। आप उस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ नवाज शरीफ ने आज एक बार फिर अपनी रोदात सुनाई है, क्या स्ट्रेटजी है ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोगों ने लाइक करना है, फॉलो करना है, और हमारे वीडियो को लाजमी लाइक करके सब्सक्राइब का जो बटन है उसको लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा टाइट किया जा रहा है और उनके लिए कई मुश्किल पैदा की जा रही हैं। आज अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत थी और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे वो अदालत में पेश नहीं हुए, क्योंकि कल भी समाअत इसी हवाले से मुलतवी की गई थी। बरहमी का इजहार करते हुए जज अब्दुल हसनान ने कहा था कि आपके वकला पेश ही नहीं हो रहे, तो कल उन्होंने समाअत आज के लिए उन्होंने मुलतवी की थी। आज भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे वो अदालत में पेश नहीं हुए, और अदालत में जब पेश नहीं हुए तो जज अब्दुल हसनान ने बड़े सख्त बरहमी का इजहार किया, और बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने अहकाम दिए। इमरान खान जो अहकाम दिए थे अदालत ने, अदालत के अहकाम के तहत ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से जो वकला दिए गए थे वो अदालत में पेश हुए। जब अदालत में वो पेश हो गए तो उस पर इमरान खान और जज अब्दुल हसनान के दरमियान जो है वो सख्त तलख कलामी हुई। इमरान खान ने कहा कि जज साहब, ये क्या सब कुछ चल रहा है और ये आप क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों पर हमारा इत्मीनान ही नहीं है उनको आप हमारे वकील बनाकर आप पेश कर रहे हैं, जिन पर हमारा इत्मीनान ही नहीं है। तो उस पर जज अब्दुल हसनान ने कहा कि भाई, आपके वकील तो पेश ही नहीं हो रहे हैं, आपके वकील क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? अच्छा, ये जो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, इमरान खान के जो लीगल टीम है वो और शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं वो पेश क्यों नहीं हो रहे, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, जरा कहानी सुनिए हुआ क्या है। तो जज अब्दुल हसनान ने कहा कि भाई, आप लोगों के वकला पेश ही नहीं हो रहे हैं तो इसलिए मैं इस पर बराए रास्ते अपना फैसला सुना सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मार्जन ये दे रहा हूं कि आप जो हैं स्टेट की तरफ से जो वकला आप लोगों के लिए हासिल है स्टेट की जानिब से, वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, वो आप लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, यानी आप लोगों की वकालत तो करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों के ऊपर हमारा एतमाद ही नहीं है, आप उनसे आप कह रहे हैं कि वो हमारी नुमाइंदगी करें, ये कैसे मुमकिन है? उस पर इमरान खान और जज के दरमियान जो है बड़ी सख्त तलख कलामी हुई, और जज अब्दुल हसनान ने कहा कि देखें, जितना मैं रिलीफ दे सकता था आपको दे चुका हूँ, आपको जेल के अंदर साइकिल चाहिए थी मैंने दे दिया, आपको मुलाकात करनी थी वो मुलाकात के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया। उस पर इमरान खान ने कहा कि आपने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन मुलाकात करवाई गई नहीं, और फिर कहा कि ओपन ट्रायल है, लेकिन ओपन ट्रायल में ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को कमरे अदालत तक पहुंचने की परमिशन ही ना दे दें, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता है अंदर। तो इमरान खान ने रद्द किया उसको, और शाह महमूद कुरैशी ने भी उसे रद्द करते हुए, शाह महमूद कुरैशी ने जो स्टेट की जानिब से अदालत की जानिब से जो वकील दिए गए थे वो फाइल शाह महमूद कुरैशी ने हवा में उड़ा दी अंदर, कहा कि क्या कर रहा है जज साहब, जो इस वक्त स्टेट एक तरफ भी स्टेट है दूसरी तरफ भी स्टेट है, दोनों तरफें आप खुद खेल रहे हैं, हमें तो खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। उस पर जज अब्दुल हसनान ने कहा कि शाह साहब, आप एक काम करें कि आप खुद भी अपना केस जो है वो चला सकते हैं, आप खुद जरा देना चाहते हैं, आप खुद बात करना चाह रहे हैं तो आप आएँ, आप खुद बात करें, आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपके वकला पेश ही नहीं हो रहे,
उस पर कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा जज अब्दुल सनद से बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जमानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया, जेल से बाहर निकलते ही एक और केस पर हमें अंदर डाला जा रहा है। तो कहा कि ये तो मजाक चल रहा है हमारे साथ, और कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे वकला पेश होना चाह रहे हैं तो, लेकिन हमारे वकला को टाइम दिया जाए, उनके साथ बात करने के लिए हमें परमिशन मिलनी चाहिए ताकि हम अपने वकला के जरिए जो है अपनी सफाई देने की हम कोशिश कर सकें। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकीलों से डिफेंस करवाया जा रहा है, इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ आ चुका है। और सांसद इमरान खान ने कहा कि देखें हम ये अपने जो वकला हमारे वकला जो पेश नहीं हो रहे उसकी वजह यह है कि मुझे मेरे वकला के साथ मुलाकात करने की परमिशन दी जाए, जब मेरे वकला के साथ मेरी परमिशन दी जाएगी तो मुलाकात होगी, उनके साथ जब मैं मुलाकात करूंगा तो लीगल टीम के साथ मुलाकात के बाद जो है मेरे वकला पेश होंगे, मुलाकात करने का मौका ही नहीं दे रहे तो कैसे पेश हो सकते हैं। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला है वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह ये है, असल कहानी ये है, वो इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं कि कोई भी वो स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से उनके लिए कोई सॉफ्ट कार्नर मिल सकें, यानी सॉफ्ट कार्नर तो मुमकिन नहीं है, उनको पता है कि हमारे खिलाफ फैसला भी आएगा, हमारे खिलाफ तो हालात सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए इनको मालूम है कि अभी तमाम मामला हमारे खिलाफ ही जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी होती है, ये हर सियासी पार्टी के कायदीन की जानिब से वक्तन फवक्तन अपने मुश्किल के दिनों में ये टोटका अपनाया जाता है और ये इस्तेमाल किया जाता है कि जितना हो सके डिले करवाया जाए, वकला पेश ना हो, कभी कोई और बहाना बनाया जाए, कभी कोई और बहाना बनाया जाए, तो जितना ये डिले होगा जो डिले की जो टेक्टिक्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मुमकिन है यार आगे जाकर कोई ना कोई अच्छा दिन आए, कोई ना कोई बेहतरी आ सकें, कोई ना कोई आगे जाकर कोई रिलीफ मिल सकें, तो डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर डिले नहीं करवाएंगे तो फैसला तो हमारे खिलाफ आने वाला है, तो इसलिए ये डिले टेक्निकल चीज़ें अपनाई जा रही है। अच्छा, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मंशूर साहब रखा जा रहा है, जल्दी से वो आपके सामने रख लेता हूँ, उस पर आप राय कायम कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम नुकात ये हैं कि तमाम सरकारी दफातर में दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा और आर्टिकल 62 और 63 को अपने असल हालत में बहाल किया जाएगा, अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम और तनाजात के का मुतबादल निज़ाम लाया जाएगा, अदालती कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात करेंगे, बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम का निफाज किया जाएगा, मौसर मुनसिफान और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी, यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और बड़े मुश्किल जो मुकदमात हैं उनका फैसला 1 साल के अंदर होगा, छोटे मुकदमात का फैसला 2 साल में सुनाया जाएगा, नैब का खात्मा किया जाएगा, इंसदाद बदअनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा और ज़ाबते फौजदारी 1998 में तरमीम लाएंगे, अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी और माली साल 2025 तक महंगाई में 10% तक कमी करेंगे, 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाएंगे, 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी, करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा, 3 सालों में इक्तिसादी शरह नमूद 6% तक बढ़ा सकेंगे, 5 सालों में फी के आमदनी $2000 करने का हदफ है, 5 साल में IT टेक्नोलॉजी के बरामदात को 5 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ है, आला तालीम की रिसाई के लिए 13% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा और उसके अलावा मुल्क भर में शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को तरजीह देंगे, इस्लामाबाद में मीडिया सिटी बनाई जाएगी और फिर अकेलेतों को तहफ़ के हवाले से बात की गई है, आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए बाकायदा एक राय कायम किया जाएगा, ये बाकायदा उनका मैनिफेस्टो है, इसमें मज़ीद और भी चीज़ें हैं, इस हवाले से अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इमरान खान नवाज शरीफ ने आज एक बार फिर उन्होंने इसी मंशूर पेश करने के दौरान उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि मैं शिकायत करने के मोड़ में नहीं हूँ, सिर्फ माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, एक जानिब नवाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं कि मैं शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए आया हूँ, वहीं दूसरी जानिब मुसलसल शिकायत कर रहे हैं, मुसलसल साबिक जजों को तनकीद का वो निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उनको बाकायदा ये ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि भाई आप जितना सख्ती लाएंगे इतना आप लोगों के लिए मुश्किल में आपके इजाफा हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।